अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 1, ठीक है, फंक्शन एंड लिमिट्स। देखिए, सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या होता है। फंक्शन जो है ये एक मैथमेटिशियन था लैपलेस, उसने फंक्शन की टर्म को जो है वो यूज किया था। तो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, उसने डिस्क्राइब किया था कि फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर, ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी, मतलब एक क्वांटिटी जो है वो दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, कि हमारे पास एक फार्मूला होता है जिससे आप लोगों ने पढ़ा होगा, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो हमारे पास एरिया होगा, मतलब ए होगा, ये डिपेंड कर रहा है किस चीज के ऊपर, आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। कि अगर हमारे पास रेडियस की वैल्यू होगी तो इसी तरह हमारे पास एरिया की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम शॉर्ट इसको अगर हम लिख लें, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे ए को जो हम लिखेंगे ये एज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी भी हम इसे शो कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी हमारे पास, डिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये जो ए है, ये ए जो हमारे पास है किसी से ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो आर जो होगा ये हमारे पास इनडिपेंडेंट क्वांटिटी बन जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, डिपेंडेंट होगी, मतलब आर की वैल्यू होगी तब हमारे पास ए की वैल्यू आएगी, मतलब हमारे पास ये आएगा, जबकि जो आर होगा ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.1। तो देखिए, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास फंक्शन किया गया है f of x is equal to x square minus x, ठीक है। तो अब हमने इनमें वैल्यूज मालूम करनी है, f of minus 2 की वैल्यू मालूम करनी है, उसके बाद हमने f of 0 की वैल्यू मालूम करनी है। तो देखिए, जो फंक्शन है ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x है, मतलब कि ये जो हमारे पास f है, ये फंक्शन जो होगा विद रिस्पेक्ट टू x है, मतलब x यहां पे हमारे पास क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। तो अब इस फंक्शन के अंदर हमें क्या चाहिए, f of -2 चाहिए, तो हमने x की जगह पे -2 पुट करना है, तो हमारे पास f of -2 की वैल्यू आएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम पुट करते हैं x is equal to -2, -2 क्यों पुट किया, क्योंकि हमें f of -2 चाहिए, तो फंक्शन के अंदर हमने x की जगह पे -2 पुट किया, तो ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस, और उसके बाद एक्स की वैल्यू, क्योंकि हमने -2 पुट की है, तो -2, अब -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा, और माइनस माइनस +2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर मतलब f of 0 चाहिए, f of 1 चाहिए, f of -2 चाहिए, जो भी वैल्यू चाहिए, अब मैं एक्स की जगह पे इसी फंक्शन के अंदर वही वैल्यू पुट करते जा रहा हूं। अब नेक्स्ट इस तरह देखें, जो नंबर 2 के अंदर हमें क्या चाहिए, f of 0 चाहिए, तो अब हमें क्या करना है, इसी के अंदर, इसी फंक्शन के अंदर x की जगह पे हमें 0 पुट करना है, f of 0 is equal to 0 का स्क्वायर माइनस 0, तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, और ये कंप्लीट आंसर हमारे पास किस चीज के इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, जो इसका तीसरा जो है हमारे पास, हमें क्या चाहिए, f of x minus 1 की वैल्यू चाहिए, जिस तरह हमने f of -2 मालूम किया था x की जगह पे -2 पुट किया, फिर उसके बाद f of 0 हमें मालूम किया था x की जगह पे हमें 0 पुट किया था, अब हमें चाहिए f of x minus 1 चाहिए, तो इसका मतलब है उसी फंक्शन के अंदर x की जगह पे हमें क्या पुट कर देना है, x minus 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा f into इस फंक्शन के अंदर x की जगह पे आपने x minus 1 पुट करना है, तो x minus 1 equal to x माइनस 1 का स्केयर, और उसके बाद माइनस x माइनस 1,
अब क्या बन जाएगा, इसका आप स्क्वायर ओपन कर लें, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी मतलब माइनस टू एक्स और प्लस बी स्क्वायर प्लस वन, इसको आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स और प्लस वन कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस टू। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है, तो ये उसी फंक्शन से रिलेटेड है जिससे हमने 0 1 2 की वैल्यू मालूम की थी, x की जगह पे हम 0 0 0 1 2 हमने पुट किया था। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखें f(a) + h हमें चाहिए - f(a) / h, मतलब ये हमें कंप्लीट वैल्यू चाहिए। ठीक है, फंक्शन जबकि हमारे पास दिया गया है f(x) = 6x - 9, अब इस फंक्शन पे गौर करें तो यहाँ पे इसके अंदर हमें a प्लस एच चाहिए, इसका मतलब है कि इस फंक्शन के अंदर x की जगह पे हमें a प्लस एच पुट करना है, तो f of a प्लस एच आ जाएगा। फिर इसी फंक्शन के अंदर x की जगह पे a पुट करेंगे तो हमारे पास f of a आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमें f of a प्लस एच चाहिए, तो हमने इस फंक्शन के अंदर x की जगह पे a प्लस एच पुट करना है इज इक्वल टू, इधर भी आपने x की जगह पे a प्लस एच पुट करना है, 6 into a प्लस एच माइनस 9 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 a प्लस 6 एच और माइनस 9, तो ये हमारे पास f of a प्लस एच की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमें और कौन सी वैल्यू चाहिए, f of a की वैल्यू चाहिए, फंक्शन हमारे पास वही होगा, उसी फंक्शन के अंदर x की जगह पे हमने a पुट कर देना है तो वो हमारे पास f of a बन जाएगा। तो अब देखें f of a is equal to, इधर भी हमने x की जगह पे पुट कर देना है, 6a plus 9। ठीक है, जी हमने ओरिजिनल वैल्यू मालूम करनी है, जबकि h हमारे पास ऐसी वैल्यू, मतलब ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, तो इसकी वैल्यू आपने मालूम नहीं करनी, इसको आपने वैसे का वैसे रहने देना। तो इसी फंक्शन के अंदर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, f of a plus h, इसके हमने ये वैल्यू निकाली है, वैल्यू हमारे पास क्या है, 6a plus 6h minus 9, उसके बाद दरमियान में माइनस है, तो इनको आप ब्रैकेट्स में लिख लें, माइनस उसके बाद f of a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6a plus 9 over h, h हमारे पास इसको हमने वैसे का वैसे रहने देना। तो अब नेक्स्ट लिखते हैं, उसको हम यहां लिख लेते हैं, 6a plus 6h minus 9 ये वैसे का वैसे रहेगा, 6a plus 6h minus 9, उसके बाद हमने ये ब्रैकेट माइनस से मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट को, माइनस 6a और माइनस 9 ओवर h। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 6a किस चीज का है, प्लस का है, ये हमारे पास माइनस का है, ये हमारे पास वैल्यू है, ये माइनस की आएगी। ठीक है, इधर जब हमने x की जगह पे a पुट किया था तो 6a माइनस 9 और ये वैल्यू हमारे पास प्लस की आ गई, तो 6a प्लस का 6a माइनस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरह 9 प्लस का 9 माइनस का ये भी कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास क्या बन जाएगा, 6h ओवर h, h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारे पास किसी से इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या हमें मालूम करना था, f of a plus h हमें चाहिए था, f of a चाहिए था, फंक्शन के अंदर आपने a plus h भी पुट कर देना है और इसी फंक्शन के अंदर x की जगह पे आपने a भी पुट कर देना है। ठीक है, जब a plus h पुट किया तो आंसर आया 6a plus 6h minus 9, जब हमने इसी फंक्शन के अंदर x की जगह पे a पुट किया है तो हमारे पास आंसर आया 6a minus 9, क्या आया हमारे पास 6a minus 9, यही दोनों फंक्शन की वैल्यू हमें इस जिसके अंदर हमने वैल्यू मालूम करने इसके अंदर पुट कर देने और हमारे पास लास्ट में आपने प्लस माइनस कर लेना है, आंसर हमारे पास किसी के इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास इसी क्वेश्चन का जो नंबर 4 है, f of x equal to cos x, ठीक है, बिल्कुल उसी तरतीब से हमें वैल्यू इसमें मालूम करनी है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, f of a plus h चाहिए, x के अंदर मतलब इसी फंक्शन के अंदर x की जगह पे आपने a
प्लस एच पुट करना है और इधर हमारे पास बन जाएगा cos x की जगह पे a plus h, जी हमारे पास f of a plus h की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमें और क्या चाहिए, f of a चाहिए, तो इसी फंक्शन के अंदर x की जगह पे आपने a पुट करना है, तो ये बन जाएगा f of a is equal to cos x की जगह पे a बन गया, जी हमारे पास दोनों के दोनों फंक्शन आ गए। अब हमने यही फंक्शन यानी इसके अंदर पुट करने हैं, तो देखिए हम वैल्यूज पुट करेंगे, f of a plus h इसकी वैल्यू हमारे पास है cos a plus h minus f of a, f of a किस चीज के इक्वल है, cos a over h, तो आप h को यहां से अलग कर ले, 1 over h is equal to into cos a plus h minus cos ठीक है। अब यहां पे देखते हैं दोनों के दोनों हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब cos a into a plus h ये भी हमारे पास एंगल है, दरमियान में माइनस है, उसके बाद cos a है, तो इसको हमें हल करना है। उसके लिए देखिए ये हमारे पास, हम ये फार्मूला यूज करते हैं, फर्स्ट टाइम भी आप लोगों ने किया था, cos a plus h को आप लेट कर लें, ये इक्वल है, और इधर ये जो हमारे पास a है इसको आप लेट कर लें, ये किस चीज के इक्वल है, q के, तो ये हमारे पास बन गया cos p minus cos q, तो cos p minus cos q ये किसी से इक्वल है हमारे पास, minus 2 sin p plus q over 2 और sin p minus q over 2, मतलब आपने इसके अंदर cos a plus h minus cos a की जगह पे आपने ये फार्मूला यूज करना है, तो अब क्वेश्चन किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए 1 over h into cos a plus h, क्योंकि आप ये a plus h को हमने b ऐड कर लिया है, तो ये मुकम्मल जो हमारे पास क्वेश्चन होगा ये इस बात में कन्वर्ट हो जाएगा, किस चीज के इक्वल आ जाएगा, minus 2 उसके बाद sin p plus q, p की जो हमारे पास वैल्यू है वो a plus h है, तो a plus h plus q, q की हमारे पास वैल्यू है a के इक्वल है a over 2 ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट माइनस का, अब क्योंकि फार्मूले में कन्वर्ट हो गया, ये माइनस खत्म हो गया, अब हमारे पास बन गया साइन पी माइनस क्यू, पी की हमारे पास वैल्यू है ए प्लस एच माइनस क्यू, क्यू देखिए हमारे पास ए के इक्वल, तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, ए ओवर टू, अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएंगे, अब ये हमारे पास बेशक आप माइनस टू को बाहर लेके, माइनस टू ओवर एच इंटू साइन ए प्लस ए, ये क्या बन जाएगा, टू ए प्लस एच ओवर टू, उसके बाद साइन एच ओवर टू। अब देखिए मजीद अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो यहां पे हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस टू ओवर एच इंटू साइन टू ए का आपने अलग से बटा ले लेना है, टू ए ओवर टू प्लस एच ओवर टू, उसके बाद है साइन एच ओवर टू। अब हमें क्या करना है, इस टू को टू से कैंसिल कर देना और ये हमारे पास इसका आंसर होगा, माइनस टू ओवर एच इंटू साइन ए प्लस एच ओवर टू साइन एच ओवर टू, जी हमारे पास इसका आंसर होगा ठीक है। बाकी इसके बाद जो क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स वाला जो नंबर टू है वो भी आपने सेम इसी मेथड से हल करना है, क्वेश्चन को सेम इसी तरह एक्स की जगह पे ए प्लस एच पुट करें फिर ए पुट करें उसके बाद नेक्स्ट यहां पे सिर्फ फार्मूला चेंज हो जाएगा ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री है, एक्सप्रेस पैरामीटर पी ऑफ ए स्केयर। अब स्केयर हमारे पास क्या होता है, स्केयर हमारे पास एक ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जिसकी चार साइडें होती हैं और चारों की जो चारों साइडें होती हैं वो हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती है, मतलब उसमें लेंथ और विड्थ जो होती है वो सारी की सारी क्या होती है, हमारे पास इक्वल होती है। उसके बाद स्केयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए, तो अब हमारे पास जो स्केयर है स्केयर का हमने एरिया भी हुआ है वो हमारे पास दिया गया, तो एरिया के मतलब पैरिमीटर हमें इसका मालूम करना है, किस हवाले से,
एरिया के हवाले से हमने इसका पेरीमीटर मालूम करना है। तो देखिए हमारे पास, क्योंकि हमें इसमें क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए, तो हम ऐड कर लेंगे एक्स बी डी ईच साइड ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास ये, हम एक स्क्वायर की फिग बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारे पास इसकी चारों साइडें क्या है, इक्वल है, ये भी x हमारे पास होगी, ये भी x होगी, ये भी x होगी और ये भी हमारे पास x होगी, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया कि x जो है वो एक स्केयर की जो है ना साइड है। अब ये जो x हमारे पास होगा, ये इसकी लेंथ भी होगी, ये इसकी विड्थ भी होगी, ठीक है। तो एरिया हम सबसे पहले लिख लेते हैं एरिया, क्योंकि यहां पे देखिए एरिया किस चीज के इक्वल है, a के इक्वल है, तो एरिया इज इक्वल टू a। अब देखिए एरिया हमारे पास क्या होता है, एरिया ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक रूम है, ठीक है, रूम के अंदर वाला जो एरिया, मतलब अंदर वाला जो हिस्सा है ये इसका एरिया कहलाएगा, जबकि जो इसकी दीवारें होंगी वो हमारे पास इसका क्या कहलाएंगी, पेरीमीटर कहलाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का जो हमारे पास फार्मूला होता है कि लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं, या आप साइड और साइड को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब ये हमारे पास बन जाएगा x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालना चाहें तो x इज इक्वल टू, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट a, ये हमारे पास x की वैल्यू है। अब हमें ऐसे में मालूम क्या करना है, इसका पेरीमीटर मालूम, और पेरीमीटर क्या होंगे, इसकी दीवारें होंगी, ठीक है। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होगा, P is equal to, ये इसकी चारों साइड को आपने जमा कर दिया, x plus x plus x plus x, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4x हो जाएगा, या 4 multiply side भी आप इसे लिख सकते हैं। तो 4 साइड हमारे पास किस चीज के इक्वल है, x के इक्वल है, तो ये 4x बन जाएगा। और देखिए P is equal to 4 और x किस चीज के इक्वल है हमारे पास, ये जो आपने एरिया से वैल्यू मालूम की थी, ठीक है, एरिया से आपने पेरीमीटर की वैल्यू निकालनी है। तो एरिया जो हमारे पास आया था x स्क्वायर आया था, वहां से हमने x की वैल्यू निकाली है, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a, तो p इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट a, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी ये बहुत क्वेश्चन आ जाता है। तो नेक्स्ट देखिए इसका बी जो है हमारे पास, एक्सप्रेस द एरिया a ऑफ ए सर्कल। अब यहां पे हमें एरिया ऑफ सर्कल मालूम करना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस c, मतलब सर्कमफेरेंस के हवाले से हमें इसका क्या मालूम करना है, एरिया मालूम करना है किसका, सर्कल का, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम एक सर्कल बना लेते हैं, और ये इसका क्या होगा, हमारे पास सेंटर होगा, और सेंटर से लेकर सर्कल के किसी पॉइंट तक पास जो हमारे पास होता है वो रेडियस होता है, मतलब r इक्वल आ जाएगा। तो हम लेट कर लेंगे R, B, D, radius of circle। अब हमें क्या चाहिए, circumference भी चाहिए और हमें area भी चाहिए। Area जो है ये circle के अंदर वाला हिस्सा होगा, और जो circumference है ये जो हमारे पास line होगी, मतलब इसकी जो boundary होगी, ये हमारे पास इसे क्या होगा, circumference होगा, ठीक है। तो देखिए circumference का हमारे पास formula क्या होगा, इसको हम short जो है C लिख लेते हैं, C is equal to, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो c is equal to 2 पाई r होता है, ठीक है। क्या होता है, c is equal to 2 पाई r, हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहां से हमने किसी की वैल्यू निकाल लेनी है, r की वैल्यू निकालनी है, यही r की वैल्यू निकाल के हम एरिया ऑफ सर्कल के अंदर r की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो r is equal to, ये 2 पाई r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड हो जाएगा c over 2 पाई, ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एरिया ऑफ सर्कल चाहिए, तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होगा, a is equal to पाई r का स्क्वायर, ठीक है, हमें ये चाहिए। तो a equal to पाई r, r का स्क्वायर है, r के हमारे पास वैल्यू है c ओवर 2 पाई, c ओवर 2 पाई का स्क्वायर, ठीक है।
अब ये हमारे पास बन जाएगा पाई सी स्केयर ओवर 4 पाई का स्केयर, मतलब 2 का स्केयर 4 और पाई का पाई स्केयर आ जाएगा, तो पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू सी स्केयर ओवर 4 पाई। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ सर्कल एज अ फंक्शन, मतलब सर्कमफेरेंस के हवाले से हमने क्या किया है, एरिया ऑफ सर्कल मालूम है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसका जो स्टूडेंट सी हमारे पास है वॉल्यूम, हमें इसका मालूम करना है वॉल्यूम भी ऑफ ए क्यूब। अब क्यूब हमारे पास क्या होता है, क्यूब हमारे पास एक ऐसी क्लोज फिग होती है जिसकी लेंथ विड्थ और हाइट जो है तीनों के तीनों क्या होती है सेम होती है, एक होता है हमारे पास क्यूब और दूसरा होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के अंदर इनमें फर्क होता है, मतलब लेंथ विड्थ और हाइट में फर्क होता है, लेकिन क्यूब के अंदर लेंथ विड्थ और हाइट में कोई फर्क नहीं होता। तो वॉल्यूम भी ऑफ ए क्यूब हमने इसका वॉल्यूम मालूम करना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ऑफ इट्स बेस, मतलब हमने इसका एरिया भी मालूम करना है, लेकिन एरिया किसका मालूम करना है, हमने इसके बेस का एरिया मालूम करना है। मतलब ये फर्ज कर लें कि ये आपके पास एक ऐसा बॉक्स होगा जिसकी लेंथ वेट और हाइट तीनों की तीनों सेम होंगी, ठीक है, और एरिया जो होगा जिसका हम मालूम करते हैं बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन एरिया यहाँ पे किस चीज का होगा, बेस का होगा। बेस हमारे पास क्या होगा, मतलब ये जो हमारे पास बॉक्स का वो हिस्सा जो जमीन के ऊपर पड़ा होगा वही हमारे पास जो नीचे होगा इस हिस्सा इसका वही हमारे पास इसका क्या होगा, बेस होगा। तो हम सबसे पहले देखें यहाँ पे लेंथ कर लेंगे एक्स बी डी ई साइड या एच बी आप इसे लिख सकते हैं ऑफ क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास इसकी हाइट हो जाएगी, ये इसकी लेंथ और विड्थ हो जाएगी। ठीक है, एक हमारे पास इससे जो ऊपर की जाने होगा, एक नीचे जो साइड पे होगा और एक, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तीन साइड इसकी हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, ये इसकी विड्थ हो जाएगी, ये इसके हमारे पास क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। हम इसका मालूम क्या करना है, वॉल्यूम मालूम करना है और किस हवाले से मालूम करना है, एरिया ऑफ इट्स बेस के हवाले से मालूम करना है, क्योंकि पहले मैंने आपको बता दिया कि क्यूब जो होता है इसकी तीनों की तीनों साइड है, मतलब इसमें लेंथ विड्थ और हाइट सारे के सारे बराबर होती है। अगर हम इस बेस की बात करें तो इस बेस के अंदर लेंथ और विड्थ की बात हो रही है, लेंथ और विड्थ सेम है, तो इसका मतलब है कि इसका जो बेस होगा वो किस टाइप का होगा, वो स्केयर होगा, मतलब जिसकी दोनों की दोनों लेंथ और विड्थ सेम होगी वो स्केयर होगा। तो एरिया जो हम यहाँ पे हमें मालूम करना है वो जो बेस होगा वो स्केयर बेस ही होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्केयर बेस a is equal to length multiply width, मतलब x को हमने x से multiply कर देना है, तो a is equal to x का square। ठीक है, यहाँ से हमें क्या करना है, x की value निकाल देनी है, तो x is equal to square root a या x is equal to a square root, अगर हम खत्म करेंगे तो इसकी power 1/2 बन जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास x की value आ गई, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए volume चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ और मल्टीप्लाई हाइट, तो v इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ भी हमारे पास x के इक्वल है, विड्थ भी हमारे पास x के इक्वल है और इसकी हाइट भी हमारे पास x के इक्वल है, तो ये हमारे पास बन जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू v, और v इज इक्वल टू हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, v is equal to x की जगह पे हमें a की पावर 1/2 पुट कर देना है और इस मुकम्मल की पावर हमारे पास क्या है, 3। लास्ट में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, v is equal to a की पावर 3/2। ये हमारे पास होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है,